SRM टुडे शहर की आवाज। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी दीपावली पर्व पर भक्तों द्वारा अरबों की संपत्ति धन में बढ़ोतरी हेतु रखी गई, जिसके कारण पूरे राष्ट्र से लक्ष्मी जी के दर्शन कर भक्त आशीर्वाद लेने पहुँचे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित अष्ट महालक्ष्मी जी के मंदिर में दीपावली पर्व के अवसर पर हर साल दूरदराज के क्षेत्रों व देशों से आकर भक्तजन यहां अपने करोड़ों की संपत्ति एवं जेवरात लक्ष्मी जी के चरणों में रखने आते हैं और 5 दिन रखकर फिर से ले जाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी जी का मंदिर पूरी तरह नोटों की गड्डियों और जेवरातों से सजा हुआ है। इस संबंध में भक्तों ने बताया कि पूरे राष्ट्र में अष्ट महालक्ष्मी जी का यह एकमात्र मंदिर है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए भक्त दूरदराज के क्षेत्रों व देशों से आकर दीपावली के मौके पर यहां अपनी संपत्ति, पैसे व जेवरात सब कुछ लक्ष्मी जी के चरणों में रख जाते हैं और 5 दिन बाद पुनः ले जाते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता ये मानी जाती है कि यहां लक्ष्मी जी के मंदिर में धन रखने से हमेशा संपत्ति व धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पूरी प्रक्रिया लिखित तौर पर रखी जाती है कि किसने कितनी रकम मंदिर में रखी है, उसी हिसाब से भक्तों को पुनः उनकी संपत्ति लौटा दी जाती है। महालक्ष्मी जी का मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड में शायद अष्ट महालक्ष्मी जी का मंदिर ये एक ही है। यहाँ छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी दूर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ रखी हुई धनराशि से घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, धन की कभी कमी नहीं आती है। इसलिए वो 4 दिवसीय यहाँ रखा कर पूजा होकर वो पुनः ले जाते हैं। कितने सालों से ये सिलसिला चला? ये बरसों से सिलसिला चला आ रहा है, इसकी जानकारी तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, उम्र में बहुत छोटा हूँ। बाकी यहाँ परंपरा चली आ रही है इस रतलाम शहर की और शायद मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर है जो दीप उत्सव दीपावली पर्व पर शायद जितनी पब्लिक, जितनी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं शायद ही कहीं आते होंगे। किस तरह से धन का माहौल होता है यहाँ पे, मतलब मंदिर के अंदर अगर नज़र डाली जाए तो क्या? मंदिर के अंदर अगर नज़र डाली जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का माँ लक्ष्मी का श्रृंगार होता है। माँ लक्ष्मी यहाँ गज पर विराजमान है और इसीलिए इन्हें गज लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी का बड़ा मंदिर कहा जाता है। और भी मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर पब्लिक आती है उसको क्या क्या लाभ यहाँ से मिलता है और क्या कुछ बांटते हैं? यहाँ से आज तक ऐसा कोई रहा नहीं है कि यहाँ जिसने जो मन्नत मांगी हो वो पूरी ना हुई हो। किसी के लिए संतान तो किसी के लिए धन, यहाँ से सब कुछ मिला है। यहाँ संतान लक्ष्मी भी है, यहाँ धन लक्ष्मी भी है, यहाँ वैभव लक्ष्मी भी है, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति भी है। एक मंदिर में सभी लक्ष्मी जी के वास हैं। किस तरह से कुबेर का खजाना, क्या बात है? यहाँ कुबेर जी की पोटली दी जाती है जिससे घर में बरकत रहे और धनतेरस के दिन वो यहाँ महिलाओं को, सिर्फ सुहागन महिलाओं को कुबेर पोटली दी जाती है। जो क्षेत्र है इसके अंदर सुनने में आया है कि काफ़ी रश होता है इन 5 दिनों के अंदर इस मंदिर की वजह से, बहुत लोग आते हैं। माणक चौक क्षेत्र है ये, इसे रतलाम का मध्य मार्केट कहा जाता है। यहाँ सिर्फ पूजन सामग्री के लिए और मंदिर की आस्था के लिए यहाँ इस कदर भीड़ होती है कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। पिछले वर्ष जो महिलाओं को जो कुबेर की पोटली बांट रहे थे उस समय काफ़ी लंबी कतार लगी हुई थी महिलाओं की, तो कितनी लंबी? 2.5 से 3 किलोमीटर तक की यहाँ कतारें लगती है महिलाओं की और महिलाओं का सबसे ज़्यादा आस्था का, धर्म का एक धार्मिक स्थल रतलाम शहर का मात्र महालक्ष्मी जी का मंदिर माना जाता है। यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ 2 आर्ट की गनमैन गार्ड लगाई गई है
यहाँ एक चार की महिला नेतृत्व की टीम है पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की, यहाँ बहुत अच्छी निगरानी है। इस पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से फुटेज से कैद किया गया है और महालक्ष्मी मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसका फुटेज यहाँ मिलेगा। सालों से ये यहाँ पे इतना धन आता है, इतना जाता है, किसी तरह से कभी इधर उधर तो किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ राजा अपने धन की जो बैलगाड़ियों से आता था उसकी पूजा करते थे और अब यहाँ पूरे भारत का धन रखा कर इस मंदिर में उस धन की पूजा होती है। महालक्ष्मी का दीपावली का पर्व चल रहा है, हर घर में महालक्ष्मी की पूजा होती है, हर आदमी घर में दुकान में हर जगह पूजा करता लक्ष्मी जी का। हमारे रतलाम जिले में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, यहाँ पे की मान्यता यह है कि रतलाम नहीं, रतलाम के अलावा पूरे भारत से पब्लिक आती है अपना सोना चांदी जेवर मतलब अन्य जो भी है वो यहाँ जमा कराती है और उसके बाद दिवाली के बाद वो वापस ले जाती है। क्या मान्यता है इसकी? ये मान्यता है कि यहाँ अगर रखता है पैसा आदमी तो उसके यहाँ पे पूजा पाठ होती है, बरकत आ जाती है और अपने धन दान से भरा रहता है, साल भर उससे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, मतलब धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। धन पोटली का क्या मामला? हाँ, धन पोटली का ये है कि यहाँ नवरात्रि के दिन 9 दिन उसकी पूजा पाठ होती है, तैयार होती है कुबेर की पोटली। हमारे महालक्ष्मी के हाथ में कुबेर की पोटली वो राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है और यहाँ बढ़ती है। अब उसकी इतनी मान्यता हो गई है कि पब्लिक को उसकी पोटली ले जाने से इतना फ़ायदा मिल रहा है, मतलब उसको धनतेरस के दिन हम लाभ और सुख के चोगड़े में बांटते हैं। लगभग देखा जाए तो कितनी पोटलियाँ बढ़ती होंगी? इसकी हम कोई गिनती नहीं लगाते, मतलब ये लाखों में हो गई अब क्या। और यहाँ मतलब आज ये स्थिति हो गई है कि मंदिर में पैसा रखने की जगह नहीं है। किस तरह से सजावट होती है मंदिर की, खासियत क्या होती है इसमें? यहाँ पे सजावट होती है मतलब पूरा मंदिर नहीं गर्भगृह पूरा नोटों से जेवर से सोना चांदी से सजाया जाता है क्या, और पूरा मतलब एक कुबेर का खजाना कहलाता है महालक्ष्मी जी का, कुबेर का खजाना, और इसके कोई गिनती नहीं है, ये करोड़ों अरबों का सिंगार हो गया। देखने में आया है कि खाली पूरे इंडिया के अंदर एक यही जगह रतलाम ही ऐसा फेमस होता जा रहा है जिसके अंदर पूरे मंदिर में नोट ही नोट दिखते, आकलन किया जाए तो कितने रुपए का मामला होता होगा, अंदाजा किया जाए तो क्या कुछ जानते हैं? ये हम गिनते नहीं हैं, फिर भी अगर बिना गिने देते हैं और हमको रखने के लिए हम पेटियों बोरियों मतलब मंदिर में छतें दीवाले परकम्मा मतलब रखने की जगह नहीं। कितने दिन तक पैसा लेने का काम चलता है रखने का? ये 5 दिन पहले लेते हैं, 5 दिन का सिंगार है और 5 दिन बाद वापस रिटर्न है। किस तरह से इसकी एंट्री होती है, क्या ये कोटा पार्ट्स का है, सरकारी मंदिर है, कलेक्टर इसका मालिक है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और इसके लिए हम रजिस्टर में मेंटेनेंस करते हैं, पूरा मंदिर सीसीटीवी से लेस है। लेने वालों के फोटो वगैरह लेते हैं, नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर, मतलब इतना साफ सुथरा काम रहता है कि आदमी को मतलब एंट्री अभी कहीं भी 5,000 के ऊपर पहुंच चुकी है क्या। ये राजा महाराजों के टाइम से चला आ रहा है और मेरी 4थी पीढ़ी है यहाँ पे, और देखते ही मतलब इसमें अभी 15 से 20 साल में इतनी गति पकड़ ली है कि मतलब अब संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन का, गवर्नमेंट का, कलेक्टर का पूरा सहयोग है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, 25 से 30 जवान यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं एनी टाइम। आने यहाँ पे देखने के लिए जो पब्लिक आती है उसका क्या माहौल होता है? आखिरी दिन जिस दिन धन की पूजा होती है उस दिन क्या, मतलब 5 दिन यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि मतलब आदमी को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और एक के बाद एक क्रम से दर्शन होते हैं। यहाँ ना तो हार फूल वगैरह प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ता, यहाँ से प्रसाद स्वरूप यहाँ से मिलता है उनको, जैसे कुबेर की पोटली दी, यहाँ से जो भी माँ हुकुम करती है वो उनको दे दिया जाता है प्रसाद के रूप में। गौरतलब है कि महालक्ष्मी जी के इस मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए वर्षों से यहाँ धन व संपत्ति रखने की परंपरा चली आ रही है जिसके कारण पूरा मंदिर यहाँ नोटों की गड्डियों एवं जेवरातों से भरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ धनतेरस के दिन सुहागन महिलाओं को कुबेर जी की पोटली दी जाती है ताकि घर में बरकत बनी रहे, इसके लिए लंबी लंबी कतारें लगती है, इस हेतु यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरों की नजर हर वक्त सब पर बनी रहती है
और भारी पुलिस बल भी तैनात रहता है। चलते जाइए, चलते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसआरएम टुडे, मंदसौर। एसआरएम टुडे, शहर की आवाज़।